गुड मॉर्निंग, द संडे ब्लॉग के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के उस प्रोविजन का जिसको संविधान के निर्माताओं ने एक समय सीमा तय किया था। जी हाँ, एक ही प्रोविजन है पूरे संविधान में जिसके लिए एक समय सीमा तय किया था, और वो था आर्टिकल 45, जिसमें कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए और यह कार्य 1960 तक पूरा कर लेंगे। और आज हम लोग 2020 में हैं और आज भी हर बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नसीब नहीं हो पा रहा है। कैसी विडंबना है, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम विश्व गुरु बनने को ख्वाब देख रहे हैं और हमारे नेतागण हमारे बच्चों को शिक्षा देने का वादा भी नहीं कर रहे हैं। 1950 में हमने कहा था कि हर बच्चे को जो 14 साल तक के हैं उनको हम मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। इसमें प्री प्राइमरी भी शामिल था, इसको केजी या नर्सरी कहते हैं। इसमें 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों को शामिल था, इसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। 8 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। 1950 के इस प्रोविजन को जिसको 1960 में हमें तय करना था, उसके लिए जो संविधान वाला 2009 में, अब वो भी आधा अधूरा। हमने कहा था कि 0 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेंगे और हमारे सरकार ने क्या किया, 6 से 14 साल को, यानी कि जो 6 से कम उम्र के बच्चों हैं उनको फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से निकाल दिया गया। हमारे देश के नेता लोग हमारे बच्चों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। और ये 2009 का जो फंडामेंटल राइट आया वो इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक जजमेंट लाया, उसे कहते हैं उन्नीकृष्णन जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली फ्लोज थ्रू राइट टू लाइफ, यानी शिक्षा का अधिकार सीधे सीधे जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। जो आदमी शिक्षित नहीं है वो क्या जिएगा, उसको कैसे रोजगार मिलेगा, जिल्लत की जिंदगी कोई जीने का अधिकार है। आज 2020 है, नई शिक्षा पॉलिसी आ गई है और उसमें कहा गया है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, सारे बच्चों को अशिक्षित रख करके हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वाह, हमें, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि फंडामेंटल राइट का दायरा बढ़ाया जाए, 3 से लेके 6 साल के बच्चों को भी फंडामेंटल राइट बढ़ाया गया और उधर 14 से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट मिलाया गया। 6 से कम उनके बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सही खुराक नहीं मिलेगा, तंदुरुस्त नहीं होंगे तो उनका मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। और ये सिद्ध हो गया है साइंस के द्वारा कि बच्चों का ज़्यादातर मस्तिष्क तकरीबन 80%, 75 से 80% दिमाग का विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। ये वो उम्र है जिसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें अच्छी अच्छी पढ़ाई का इंतज़ाम करने की ज़रूरत। 14 से 18 साल के लिए इसलिए कि बच्चा अगर 12वीं पास नहीं करेगा तो कहीं का नहीं होगा, ना वो डॉक्टर बन पाएगा, ना वो इंजीनियर बन पाएगा, ना वो बीएड कर पाएगा, वो क्या करेगा, क्योंकि सारे
अच्छी पढ़ाई का आगाज 12वीं के पास होता है, चाहे यूनिवर्सिटी में जाना हो, चाहे मेडिकल में जाना हो, चाहे इंजीनियरिंग में जाना हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम 3 से लेकर के 18 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट के दायरा में लाएं और अपने संविधान के निर्माताओं का वो सपना पूरा करें जिससे कहा गया था कि हर बच्चे को मुफ्त अनिवार्य और क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। धन्यवाद।